संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला है। मामला राज्यसभा का है, जब शुक्रवार को जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। सभापति ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर पीठ का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने यह प्रस्ताव पेश किया। मैं जया अमिताभ बच्चन और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, आई एम अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ द वे एंड यू से माय टोन, आई नो यू वांट टू डिस्टेबिलाइज द एंटायर नेशन, यस यू आर आउट टू क्रिएट कियोस इन द हाउस। जया अमिताभ बच्चन नाम तो सुना होगा आपने, मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं और जानी मानी अभिनेत्री भी। इनकी एक पहचान ये भी है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी हैं और उन्होंने जब राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया तब पूरे होशो हवास में जया अमिताभ बच्चन का नाम लिखा। अब इसी नाम से वे आए दिन राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाली पीठ से पुकारी जाती हैं, जिसके बाद उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जा रहा है। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल, कलीग सर। सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के वक्तव्य पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप होंगे सेलिब्रिटी लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। जया जी, you have earned a great reputation, you know an actor is subject to the director, you have not seen what I see from here every day, I don't want to repeat, I don't want schooling, I am a person who has gone out of the way and you say my tone, No, she's giving to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. सभापति और जया बच्चन के संवाद के बाद उच्च सदन बवाल मच गया और पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की। विपक्ष चर्चा के दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है, इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। भाजपा सहित उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष के रवैये की निंदा की है। यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। इट इज वेरी पेनफुल सर, वी एज सम ऑफ माय कलीग्स हैव सेड, वी कम हियर टू पार्लियामेंट to represent the voice of the people. We come here to discuss and engage on issues which are very important for the well-being and the future of our nation. मैं देखता हूँ आप बहुत accommodate करते हैं, normally ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूँ वो लोग मजाक भी करते रहते हैं लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को accommodate करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज़ को appreciate नहीं करते हैं, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफी मांगना ही चाहिए। मजेदार बात यह है कि कुछ समय पहले राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जया बच्चन ने खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा था। खुद सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े थे। इससे पहले जब उच्च सदन में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़कर लिया गया था तो इससे नाराजगी नजर आई थी।
ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।